स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रो टी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे मार्स हैबिटेट के बारे में, तो आइए जानते हैं। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा उसमें क्या क्या तकलीफें आने वाली, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सबसे आसान तरीके से समझने के लिए आप बस ऐसा समझिए कि ये स्पेस है, जैसे जो जो चीज़ आपको स्पेस में करना पड़ता है, यानी कि 100% आइसोलेशन, मतलब आप कहीं से हवा नहीं ले सकते, कहीं से पानी नहीं ले सकते, मतलब कहीं से खाना आएगा नहीं आपका, आपको 100% सेल्फ सफिशिएंट चाहिए। जैसा स्पेस में चाहिए वैसा मार्स में चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आप वो समझिए। दूसरा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा तिगड़म है जो कि है लो ग्रेविटी। तो ये लो ग्रेविटी लो है, लेकिन बहुत लो भी नहीं है और बहुत हाई भी नहीं है। बहुत हाई होता अगर मान लीजिए अर्थ के बराबर होता तो इंसान के लिए बहुत अच्छा रहता है, हम लोग वहाँ एक्चुअली रह पाते हैं, लेकिन लो है। लेकिन जीरो नहीं होने के चलते, मतलब रॉकेट जब जा रहा है तो उसको एक्चुअली एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा रुकने के लिए, और वापस आने के लिए काफ़ी भरपुष्ट अमाउंट एनर्जी लगाना पड़ेगा। धरती के कंपेयर में कुछ नहीं है, लेकिन भारी एनर्जी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे स्पेस स्टेशन में आराम से गए, आराम से डॉक किए, डॉक करके निकल गए, आप उसमें खर्च नहीं कर रहे एनर्जी आने और जाने के लिए, लेकिन मतलब मंगल में आपको करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए मंगल के ऑर्बिट में आपने कुछ बना दिया, ऐसा नहीं आप बस ऐसे कूद के आ जा सकते हैं। चांद में भी वही दिक्कत है, लेकिन चांद का ग्रेविटी बहुत कम है तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। फिर इसके ऊपर एक झंझट आता है कि यहाँ बहुत धूल है, डस्ट। तो आप बोलेंगे धूल से उतना टेंशन क्या होता है, प्रॉब्लम यह है कि धरती का ग्रेविटी के चलते महीन धूल उड़ती नहीं है, महीन धूल जमीन पर बढ़ जाती है, और मतलब जो महीन धूल उड़ता भी है ज़्यादा देर उड़ नहीं पाता क्योंकि एटमॉस्फेयर है, तो जल्दी वो गिर जाता है। मतलब एक तो धूल बहुत कम होता है, भारी तो सीधे गिर ही जाता है, हल्का वाला जो है वो हवा इतना उसको घिस रहा है कि वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, मतलब कांच जैसा नहीं है। इसका डस्ट बहुत खतरनाक है, एक तो बहुत जरूरत से ज़्यादा छोटा है, इसका नुकसान ये होता है कि वो आपके नाक से अंदर घुस सकता है, मतलब आपके लंग्स में जाके नुकसान कर देगा, इंटरनल ब्लीडिंग तक ले जा सकता है, समस्या बहुत बुरी है। और दूसरा, ये जब भी होता है डस्ट स्टॉर्म, ये ऐसा नहीं कि ठीक है ये जगह पे हुआ, जैसे नॉर्थ पोल में हुआ या साउथ पोल में हुआ या इक्वेटर में हुआ, पूरे प्लेनेट को ढक देता है। तो ये फोटो आप देख के समझ सकते हैं कि ये फोटो था मंगल का, स्पेस से लिया गया मतलब जब डस्ट स्टॉर्म नहीं हो रहा था, डस्ट स्टॉर्म के दरमियान वो सिर्फ एक ग्रे हो गया, बस इतना बुरा होता। और ये समझिए कि डस्ट स्टॉर्म जब आप देखेंगे तो आप कुछ आगे नहीं दिख पाएंगे, जैसे ये लॉन्ग एक्सपोजर फोटो इसलिए उतना अच्छा से दिख रहा है, तो आप देखिए कि आप होराइजन नहीं देख पा रहे हैं। जब क्यूरियोसिटी रोवर था वहाँ पे, होराइजन आपको नहीं दिख रहा है, आपको लगेगा आप रात हो गया। तो वो फोटो इसलिए इतना चमक रहा है कि एक तो वो डिजिटल कैमरा है, दूसरा लॉन्ग एक्सपोजर है। तो ये जब पूरा डस्ट स्टॉर्म पीक पे पहुंचता है तो आपको दिखेगा नहीं कुछ, आप मतलब जैसे कितना भी डस्ट स्टॉर्म हो आपको दिख जाता है कि सूरज वहाँ पे है, मतलब चूंकि सूरज इतना ब्राइट है वहाँ पे, एक तो सूरज इतना दूर है कि वो ऐसे भी नहीं दिखता है ढंग से, और ऊपर से ये मतलब डस्ट स्टॉर्म इतना सॉलिड होता है कि वो ढक देता है सब चीज़। और डस्ट से मान लीजिए आपको लाइटिंग वोटिंग का कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको जो भी चीज़ हिल डोल रहा है उसमें परेशानी आएगी ना, जैसे आप तो देखते हैं कोई भी बेरिंग वरिंग में धूल गर्दा घिस गया तो गया, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है धूल गर्दा से बचाने के लिए, जो कि अंतरिक्ष में आपको नहीं टेंशन लेना है। तो अंतरिक्ष में तो सिर्फ टेम्परेचर सोचना है, वहाँ आपको टेम्परेचर प्लस धूल गर्दा भी सोचना है और प्लस लो ग्रेविटी। और ये इतना दूर है कि अगर आप ISS में अभी जाना चाहते हो, मतलब अभी के अभी आपको जाना है, कुछ भी हो गया अभी के अभी जाना है, आधा घंटे में आप पहुंच जाइएगा, मतलब रॉकेट लीजिए 8 मिनट में एक्चुअली पहुंच जाइए, वो आधा घंटा तो आपको डॉकिंग वॉकिंग में लगेगा। और ठीक है, और मंगल जाने का कोई भी तरीका अभी हमारे पास नहीं है जो 2 साल से कम ले, और जो सबसे बेस्ट मतलब तरीका सोचा गया है जैसे आयन प्रोपल्शन इस्तेमाल करने का, वो भी महीनों लगाएंगे। तो मतलब सोचिए दूरी के मामले में तो सोचना नहीं है, ये कहने को दूर है लेकिन मंगल इतना दूर है कि बोलेगा बेटा तुम धरती घर से निकला कि नहीं, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पहुँच के आ जाएंगे और वो बोलेगा अरे अब घर से निकलो तो आगे तो बढ़ो। तो फिर ठीक है, हम लोग चलिए अब बोलते हैं कि नहीं करते हैं, चलो इंसान को ले जाते हैं मंगल पे, कुछ करते हैं, तो कहाँ पे रुकेंगे? तो आप ये समझिए कि अगर आप कुछ दिन के लिए रुकना चाहते हैं, जैसे 2 महीने 6 महीने या 2 साल शॉर्ट टर्म, तो आपको कुछ खास करने का जरूरत है। लेकिन अगर आप वहाँ पे आबादी रखना चाहते हैं कि मतलब नहीं वहाँ पे लोग हैं जो रह रहे हैं खा रहे हैं वहीं, मतलब उनकी ज़िंदगी वहीं पे, ऐसा नहीं धरती आते जाते रहते हैं, नहीं वो वहीं रह रहे हैं, कॉलोनाइजेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए आपको अंडरग्राउंड जाना ज़रूरी है। क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन, मतलब एक तो टेम्परेचर अप डाउन बहुत होता है, अगर आप जमीन के नीचे हैं तो आपका हैबिटेट आराम से टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि मतलब एक समझिए बड़ा सा ब्लैंकेट में है, तो अगर आप अंदर गर्म कर दिए गर्म रहेगा बहुत देर तक, ठंडा कर दिए तो बहुत देर तक ठंडा रहेगा। तो अंडरग्राउंड से टेम्परेचर का फायदा होता है, प्लस रेडिएशन नहीं घुस पाता है जमीन के नीचे बहुत, तो अगर आप जमीन के नीचे 2-3 मीटर से नीचे पहुंच गए तो आपको रेडिएशन का टेंशन नहीं है, फिर जो मीटरॉइड ये सब गिरता रहता है उससे भी टेंशन नहीं है, टेम्परेचर का भी टेंशन नहीं, रेडिएशन भी नहीं है, कॉस्मिक रेडिएशन भी खत्म हो जाएगा।
तो फिर आप वहाँ लाइट कैसे लाएंगे, आपको कांच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी मिरर, मतलब कोई भी शाइनी चीज़। तो उस पर आप मेरा पूरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं कि क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और वो आप कर लिए, ठीक है, लाइटिंग कर लिए, लेकिन फिर आप बोलोगे कि इतना तिकड़म क्यों करें, शांति से, मतलब जैसे इक्वेटर पे, यहाँ वैली में लैंड करने की जगह शांति से पोल पे क्यों नहीं चलाएं, पोल पे तो पानी भी है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि धरती और मंगल एक सतह पे है, मतलब इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो रॉकेट हम लोग धरती के इक्वेटर के पास, मतलब जितना हो सके उतना इक्वेटर के पास से लॉन्च करते हैं, ठीक है, लॉन्च किए और मंगल के इक्वेटर पे उतार देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पोल पे करना चाहते हैं तो आपको धरती के अभी भी इक्वेटर से ही लॉन्च करना है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहीं से आएगा। लॉन्च कर दिए तो आप जब पहुँचने लगेंगे मार्स के पास, आपको ऑर्बिट अपना चेंज करना है, ठीक है, अब ऊपर जाओ, ठीक है, वो किए, वहाँ रॉकेट खर्च किए। दूसरा, जब आप लैंड करने जाएंगे तो इक्वेटर में, मतलब जैसे आप यहाँ रहते हो, बहुत एटमोसफेयर है आपका स्पीड हटाने के लिए, मतलब आप आराम से एटमोसफेयर, पोल तो एक छोटा सा पॉइंट होता है ना, मतलब आप उतना आराम से पोल के उधर चले जाइएगा, तो आपको समझ रहे, बहुत कम दूरी में आपको अपना स्पीड हटाना पड़ेगा, तो उसके चलते बहुत एनर्जी खर्च किया। पहला एनर्जी कि आप जब ऑर्बिटल प्लेन से ऊपर उठिए उसमें एनर्जी खर्च कीजिए, फिर जब पोल में जा रहे हैं तो पोल में आपके पास एटमोसफेयर लंबा नहीं है, मतलब एकदम दाहिने से लंबा रास्ता नहीं ले सकते, है ही नहीं, वो पोल छोटा जगह होता है, मतलब इक्वेटर के कंपेयर में देखिए पोल तो एकदम छोटा सा होता है, तो उसको स्लो करने में बहुत आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। और प्लस ये जगह अगर ठंडा है तो ये जानलेवा ठंडा है, तो इसीलिए वहाँ पे अभी तक कोई रोवर नहीं भेजा गया है। तो ये है लोकेशन का तिकड़म। तो हकीकत में आते हैं कि हमारा यार एक्चुअल तिकड़म क्या है। तो देखिए, जितना भी प्रॉब्लम है बताया, धूल गर्दे का प्रॉब्लम है, ठंडा का प्रॉब्लम है, गर्मी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, सब सॉल्व हो सकता है, हवा आप प्यूरीफाई कर सकते हैं, पानी रिसाइकिल कर सकते हैं, सब चीज़ किया जा सकता है, सिवाय एक चीज़ के कि आप पावर को पावर से नहीं बना सकते, आपको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मंगल में है ही नहीं। आप जैसे मेरा ये वीडियो चांद का, चांद पे पावर के बारे में देखना चाहेंगे, तो उसमें मैंने बताया चांद पे तो बहुत पावर है, क्योंकि चांद मतलब चांद पे आप सोलर पैनल लगाएंगे, वो धरती से थोड़ा ज़्यादा आपको एनर्जी देगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, और धरती मतलब सूर्य से 8 मिनट की दूरी पे है। मंगल इतना दूर है सूर्य से कि वहाँ पे सोलर फ्लक्स, मतलब कितना एनर्जी सन का वहाँ तक पहुँच रहा है, वही कम है। तो आप ऐसा समझिए कि आप 100 किलोवाट का एक सोलर पैनल लिए, ठीक है, बहुत बड़े, वही पैनल आप फोल्ड करके मार्स पे ले गए, मार्स पे खोल दिए, हाँ वो 50 किलोवाट दे दे तो बहुत बड़ी बात है, वो बेसिकली 30 के आसपास देने लगेगा, क्योंकि सन ही इतना दूर है। तो मून पे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्स पे तो पहला वही प्रॉब्लम है कि आपको बहुत बड़ा सोलर पैनल चाहिए ताकि आप 100 किलोवाट लो, ठीक है, पहला वो तिकड़म होगा। दूसरा, रात को आप क्या करोगे सोलर पैनल के, तो बोलो ठीक है हम 200 किलोवाट का तिकड़म लगा लेते हैं, तो आप समझ रहे कितना बड़ा हो जा रहा है। फिर आपको एक बड़का बैटरी चाहिए जो 100 किलोवाट को संभाल के रखे रात भर के लिए, ठीक है, आप उतना वजन की। अब आप ये बताइए आप क्या कीजिएगा जब डस्ट स्टॉर्म आता है जो 2-2 महीने तक चल सकता है, मतलब उतना बड़ा नहीं होता और हर बार नहीं होता, लेकिन आपको उसके लिए सेफ्टी तो लेना ही पड़ेगा ना, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं, ये हुआ था हमारे रोवर का कि जब इस पर डस्ट आ गया, तो हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, डस्ट पैनल को, जो मूवी मार्शियन में दिखाई गई थी वो तो थोड़ा अजीब था, मतलब अगर आप सोलर पैनल एक्चुअली बनाना चाहते हैं, बस ऐसा रखिए कि ऐसे खड़ा करके उसको थोड़ा सा वाइब्रेट कर दें तो डस्ट अपने गिर जाएगा, और इलेक्ट्रिकली आपको थोड़ा सा उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा ताकि स्टैटिकली चिपका ना रह जाए, तो वो ज़्यादा आसान है। मतलब ऐसे हवा आप कहाँ से एयर कंप्रेस करेंगे, कहाँ से आप एयर उसमें डालिए, बर्बाद कीजिएगा। तो सबसे आसान यही है कि मतलब सोलर पैनल आराम से ट्रैक कर रहा है, जब बहुत डस्ट हो गया ऐसे खड़ा होगा, वाइब्रेट करेगा, धूल गिर जाएगा। आपका यही सिस्टम तो कैमरा सेंसर में भी होता है, जो मतलब आप देखते होंगे ना जब भी बंद कीजिए तो होता है क्लीनिंग का सेंसर। तो सोलर पैनल बहुत कमज़ोर है। फिर आप बात करते हैं ठीक है RTG क्यों ना इस्तेमाल कर लें। RTG तो आपको पता ही है कि एक बैटरी होता है जो मतलब कहिए 30 साल तक चलता है, ठीक है, सब बढ़िया, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा ताकत देता ही नहीं है। ये तो आपको चाहिए किलोवाट में, हम बात करें 1 किलोवाट का भी RTG नहीं है हमारे पास जो इसमें लगाया। और अगर आप बनाना चाहें, एक तो बना नहीं सकते, और दूसरा अगर बना दिए वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा, प्लूटोनियम बहुत भारी होता है, मतलब लेड से भी ज़्यादा भारी होता है, जो डंबल में आप लगाते हैं उससे भी भारी होता है, तो बहुत वजन होता है, तो पावर तो उसमें बहुत कम है, वहीं तिकड़म हो गया। तो फिर बोला ठीक है शांति से न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों नहीं डाल देते। नासा को पता है कि सोलर नहीं काम करेगा, इसलिए नासा इस पे काम कर रहा है, जिसको कहते हैं किलो पावर रिएक्टर, जो पे अभी नासा काम कर रहा है, वो भी बहुत कमज़ोर है, वो भी सिर्फ 10 किलोवाट तक मैक्स पावर दे सकता है। तो 10 किलोवाट ये बहुत नहीं है, हाँ कुछ लोगों के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका काम हो जाएगा, और आपको ये टेंशन नहीं है दिन रात में कैसे काम होगा, डस्ट स्टॉर्म में कैसे काम होगा, मतलब टेम्परेचर अप डाउन में कैसे काम होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये इतना पावर नहीं देता कि आप पूरी आबादी वहाँ बैठा सके, और मैं आबादी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 1 अरब आबादी, मैं बोल रहा हूँ 10,000 लोग एटलीस्ट, मतलब 1,000 लोग भी नहीं कर पाएंगे आप। मतलब अभी हमारे पास यही ऑप्शन है, अगर सीरियसली करना चाहते हैं कि मार्स भागने का कुछ हो गया कि भैया भागो धरती से मार्स पे जाओ, तो बहुत बड़ा बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना पड़ेगा 600-700 मेगावाट का,
ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास अभी। तो सबसे बड़ा जितिगढ़ यही है कि पावर, जिस दिन ये सॉल्व कर लिए मंगल को ये ऐसे चुटकी में कॉलोनाइज किया जा सकता है। तो फिर हकीकत में आता है कि हकीकत ये है कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा चीज़ करने का। ये मतलब समझिए चांद पे जाने से कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल है। चांद तो नज़दीक में है, चांद में कुछ दिक्कत भी हुआ तो 3 दिन में वापस आ जाएंगे आप। मंगल पे कुछ हुआ तो एक तो आपको रुकना पड़ेगा 2 साल ताकि मतलब वो ऑर्बिटल अलाइनमेंट फिर से हो, ताकि आप ठीक से मतलब कम एनर्जी में आ जा सकें। और फिर ट्रैवल टाइम भी अभी के रॉकेट 2 साल लेते हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा तिगड़म है। और दाम के मामले में तो बात ही नहीं करना है। लोग कहते हैं अपोलो मिशन महंगा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन महंगा था, वो सब बच्चे का खर्चा लगेगा, वो बच्चे का पॉकेट मनी लगेगा, इतना महंगा होने वाला है मार्स मिशन। ठीक है, अब चलिए आपने मून को प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, अगर इंसानियत को आगे बढ़ना है अंतरिक्ष में तो चांद को इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चांद को अगर कॉन्कर कर लिए, इंडस्ट्रियलाइज कर लिए, मतलब वहाँ पे हम लोग अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ से मेटल निकाल रहे हैं, वहाँ से मेटल को पूरा रिफाइन करके फॉर्म करके भेज रहे हैं अंतरिक्ष में वापस, अगर वो करने लगे तभी अंतरिक्ष से हम लोग आगे निकल पाएंगे। नहीं तो ऐसे धरती में घूमते रहेंगे। हाँ, घूमने फिरने के लिए कभी गए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितना भी बढ़िया रॉकेट बना लीजिए, आपको अगर अंतरिक्ष में कुछ करना है तो चांद को पकड़ना होगा, और चांद पे पूरी इंडस्ट्री चाहिए आपको। तो ठीक है, आपने चलिए मान लीजिए हम लोग कर लिए, आने वाले 100 साल में ये हो गया कि चांद को एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइज कर दिए, तो आपके पास आने वाले 500 साल में, मतलब उस 100 साल के आगे 500 साल में आप अगर मंगल पे अपना टाइम खर्च करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मंगल को आप एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते क्योंकि उसकी ग्रेविटी है ही नहीं जो उसको पकड़ पाए। फिर कहीं मतलब नासा बीच में एक बार हल्ला कर दिया कि हम मैग्नेटिक शील्ड का बात कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक शील्ड का मैं बस आपको कहूँगा कि आप देखिए कि उसका पावर कितना चाहिए, गीगावाट से भी ऊपर है। मतलब एक देश जितना बिजली खाता होता है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, मतलब पूरी पृथ्वी में जितना बिजली नहीं बनता उससे ज़्यादा चाहिए उसको चलाने के लिए। और उसके बाद भी जब उन्होंने सुपर कंप्यूटर अपने ही सुपर कंप्यूटर में डाला कि आया ही नहीं रिजल्ट कि कितना साल में ये एटमॉस्फेयर देगा, मतलब सोचना ही नहीं है। ग्रेविटी ना होने के चलते एटमॉस्फेयर टिकेगा नहीं। और प्लस अगर आप कर भी दिए, चलिए किसी तरह आप सब जगह ढक दिए, मतलब डोम बना दिए कि आप एटमॉस्फेयर का झंझट कर दिए, एयर प्रेशर से आप कर दिए जुगाड़, ठीक, लेकिन ग्रेविटी का आप क्या खींचेगा? आप ग्रेविटी का तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ग्रेविटी के चलते ये हो जाता है कि मान लीजिए आप मार्स में रह भी लिए, आप वापस नहीं आ पाएंगे धरती पे, क्योंकि आप धरती पे जैसे ही वापस आएंगे आपका हड्डी टूटने लग जाएगा। ये अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं इनको बहुत भारी नुकसान होता है इसके चलते। तो अंतरिक्ष का मतलब लो ग्रेविटी यानी कि जीरो ग्रेविटी जो है वो इतना नुकसानदायक है, इनका मसल इनको मतलब डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि अरे जिम जा रहे हैं, इनको करना है कि मरे नहीं, एक्सरसाइज कर किए बिना मर जाएंगे क्योंकि इनका मसल मास खत्म हो जाएगा। तो वो मसल मास मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है डेली 2 घंटे कम से कम। इनका बर्थडे गिफ्ट यही होता है कि हाँ आज एक्सरसाइज मत करो। तो ठीक है, तो इतना तिगड़म करने के बाद आप सब चीज़ कर लिए लेकिन हड्डी का आप कुछ नहीं कर सकते। किडनी स्टोन के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, आपको इतना झंझट हो जाएगा कि आप रह नहीं सकते, मतलब रह तो लेंगे और वापस नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में लोग नहीं रहना चाहेंगे ना वहाँ पे। लेकिन अगर आप वीनस पे उतना 500 साल आप लेते हैं तो आप 100 साल आपको लग जाएगा मिरर बनाने में, जो मतलब और मिरर जो बोल रहा हूँ कांच वाला मिरर नहीं बोल रहा, बस एल्युमिनियम फॉइल आपको बनाना है जो कि चांद में बहुत है और चांद से यहाँ भेजना आसान है। इसके लग्रांज पॉइंट पे रख देना है, थोड़ा सा आयन प्रोपेल इंजन रख दीजिएगा कि थोड़ा सा ऑर्बिट इसका मेंटेन रहे, और इसको बस ठंडा होने छोड़ देना है। 200 साल लगेगा, बहुत टाइम है। तो आप बोले यार 200 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ और नहीं भी, हाँ क्योंकि आप और हम जिंदा नहीं रहेंगे, जो भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा इसका रिजल्ट देखने के लिए। लेकिन ये आपको पृथ्वी जैसा देगा, जहाँ पे आप अगर उतरे तो उतर के आपको लगेगा थोड़ा हल्का धरती में आ गए, थोड़ा सा वजन कम हो गया, 0.9% है धरती का ग्रेविटी। और उससे अगर आप वापस आए, मतलब ठीक है आप यहाँ से वीनस से वापस आए, तो आप धरती में चल पाइए। ऐसा नहीं हो कि जैसे ही धरती में पैर रखे धड़ा से पैर ही टूट गया, मतलब हमारी बायोलॉजी इसको बहुत आराम से हैंडल कर सकती है। दूसरा, यहाँ एटमॉस्फेयर पहले से ही है तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लेके घूमना पड़ेगा, और जो CO2 है वो या तो ये बन जाएगा लिक्विड ओशन बन जाएगा, या तो लिक्विड ओशन बनेगा उसके ऊपर ड्राई आइस का एक परत बन जाएगा, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं है। जब ठंडा कीजिएगा तो यही होगा, 2 चीज़ में से यही होगा CO2 का। तो आप सिर्फ ऑक्सीजन मास्क से रह सकते हैं क्योंकि आपको प्रेशर के लिए प्रेशर सूट नहीं पहनना है, बस एक ऑक्सीजन मास्क, जो क्या आसान है, मतलब एक ऑक्सीजन मास्क जो कि हॉस्पिटल में आप देखते हैं, जो फायर फाइटर इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट पायलट्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख लीजिए वो आसान है कि एक स्पेस सूट बनाना जो कई 100 करोड़ का एक स्पेस सूट आता है, तो आप बताइए। और रहा बात जो एसिड रेन, एक बार ठंडा कर दीजिए वो सब भी खत्म हो जाएगा, एक बार बारिश होगी उसके बाद वापस भाप लेके नहीं उड़ेगा। हाँ, आपको लाइटिंग के लिए थोड़ा तिकड़म करना है, या आपका जो शील्ड है सन शील्ड है उसमें आप बीच बीच में मिरर को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं, थोड़ा झंझट है, ऐसा नहीं कि एकदम आँख बंद करके काम हो जाएगा, लेकिन
ये ज़्यादा सूटेबल है लॉन्ग टर्म में। और इसमें अगर हाइड्रोजन आप डाल दिए तो पानी भी आ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल लीजिए, हाइड्रोजन से मिला लीजिए, आपको वाटर मिल गया। तो तिगड़म अगर मान लीजिए 500 साल इंसान लगा देता है तो आपके पास धरती 2.0 हो जाएगी, आपके पास एक दूसरी धरती होगी, एक नरक नहीं होगा। जो मंगल एक नरक है, वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते, वहाँ पे आप खड़े नहीं रह सकते, नहीं कर सकते, टेम्परेचर के मामले में सोच नहीं सकते, आप उसको कुछ भी करके टेराफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो उस पर आप 500 साल लगाना चाहेंगे। और दूसरा, उतना दूर भी मत जाइए ना आप, जैसे मान लिए आज आपने स्टार्ट कर दिया तो ये इलिसियम वाला क्यों नहीं बना लेते, इलिसियम का स्पेस स्टेशन, इसमें आपको ग्रेविटी मिल जाएगी, टेम्परेचर आप मेंटेन कर लेंगे, आपको मतलब धरती से सेफ्टी में मिल गया है कि आप मान लीजिए धरती को कुछ भी हो आपका स्पेस स्टेशन से सेफ रहेगा। और इसमें तो दिखाया कि स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में ही रखे हुए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑर्बिट में रहे, आप दूर भी जा सकते हैं, बहुत दूर भी जा सकते हैं, मतलब लग्रांज पॉइंट में रहिए या सन के थोड़ा पास चले जाइए ताकि अपना मतलब सोलर रेडिएशन बढ़ जाए और उससे आपको सोलर पावर ज़्यादा मिलने लगे। तो ये ज़्यादा आसान है, ये आज किया जा सकता है, ये कुछ साल के बाद किया जा सकता है। मंगल का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, मतलब कितना भी आप मेहनत कर लीजिए कुछ किया ही नहीं जा सकता उसका। तो यही था मेरा प्रेजेंटेशन मार्स हैबिटेट के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो इससे मेरा काफ़ी भला होगा। और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, अगर नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे फ्यूचर फ्राइडे के में, और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।